हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बादल और आप सबको फिर से स्वागत कर रहा हूं इस डेविल टेक्टिक्स चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए वीडियोस लेके नहीं आ पाया हूं, बहुत सारा काम था, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा, तो इसके द्वारा मैं मतलब वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अभी मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि ये ना मेरे मतलब जो बहुत सारे हमारा ख्वाहिशें होते हैं उनमें से ये एक है और ये बहुत ही स्पेशल चीज है। हाँ, माना कि बहुत ही छोटा सा है बट मेरे लिए स्पेशल है। तो अभी 3 के काउंटडाउन पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 3, 2, 1। तो ये है मतलब वो चीज, आप देख सकते हो मैं इस कैमरे पे दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसे भी दिखा लेता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है एक छोटा सा ड्रोन जो है क्वाड S116, ठीक है। और मैं आगे बहुत सारे ड्रोन लेने वाला हूँ, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले सीखना पड़ेगा। और ये सबसे छोटा सा ड्रोन है तो मैं शुरुआत इसी से करना चाहता हूँ। तो पहले इसे क्या करेंगे, हम अनबॉक्स करके थोड़ा मतलब इसे यूज करेंगे, इसका स्टेबिलिटी कितना है, बैटरी बैकअप कितना है और वीडियो क्वालिटी कैसा है। ये तो मुझे पता है कि इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही घटिया होने वाला है, क्योंकि ओनली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक ओनली 480p पे ये वीडियो शूट करता है, ठीक है। तो इतना अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं देने वाला, बट फिर भी कोई नहीं, हमें इसे क्या करना है, बस सीखना है। और मेरे और एक चैनल है जिसमें मैं इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करूंगा, मतलब ड्रोन के अंदर क्या क्या होता है और वो कैसे रिमोट से कनेक्ट होके फिर मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे सुनता है, तो वो सारे बात ना हम मतलब मेरा और एक चैनल है एडवेंचरस कीड़े के, उस चैनल पे मैं आपको वो सब वीडियोस दिखाऊंगा। बट इस चैनल पे हम क्या करेंगे, इसे अनबॉक्स करेंगे और थोड़ा फ्लाई टेस्ट वगैरह करेंगे, इसका स्टेबिलिटी कितना है और इसका बैटरी क्वालिटी कैसा है और ये कितने वजन अपने साथ उठा के कितने ऊपर तक जा सकता है, तो वो सब आज हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। बिना टाइम गवाए इसे जल्दी से ओपन करते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसे देखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका फ्लाइंग टेस्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी आ चुका है हमारे पास क्वाड S16 का अल्टीट्यूड होल्ड, जो कि छोटा सा ड्रोन है। अभी हम क्या करेंगे, इसे अनबॉक्स करेंगे और इसका बॉक्स कंटेंट क्या क्या है देखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास है एक छोटा सा नाइफ, अभी क्या करेंगे, इस नाइफ से हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, ये रैप को हम थोड़ा, ये ऐसे करने से बहुत ही मजा आता है क्योंकि इसका साउंड ही बहुत ही जबरदस्त है। तो हाँ, अभी हमारा मेन कंटेंट जो है इसे हम ओपन करेंगे। Nice. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या क्या है, एक ड्रोन है, एक रिमोट कंट्रोल है और कुछ नीचे है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ये है उसका कवर, इसे निकाल देते हैं, फिर इसे भी निकाल के साइड में रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके नीचे था मैं एक गाइड, ठीक है, किससे हम इसे यूज करेंगे। और ये आप देख सकते हो चाइनीज में लिखा हुआ है और चाइनीज तो हमें घंटा नहीं आता है, तो इसे अगर यहाँ पे इंग्लिश में, हाँ आई थिंक पीछे इंग्लिश साइड पे भी लिखा है बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो हमारे लोकल लैंग्वेज में देते फिर भी हम क्या करते, इसे फेंक ही देते। और उसके साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ मतलब एसेसरीज दिए गए हैं, दो मतलब एक्स्ट्रा प्रोपेलर दिया गया है ड्रोन के प्रोपेलर्स, इसे हम रखते हैं बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पे जो फ्लाइंग उसका फ्लाइंग गियर है ना, यही उसका फ्लाइंग गियर, उसे हमें इस पर अटैच करना है ताकि ये कहीं पे जाके टकराए तो उसका प्रोपेलर टूटे ना। और यहाँ पे हमको ये 4 रबर का कैप दिया जा रहा है, इसका क्या काम है अभी तो मुझे पता नहीं है, फिर देखने के बाद ही पता चलेगा। इसे हम रखते हैं अंदर। फिर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर जो कि मतलब उसका प्रोपेलर्स को फिट करने के लिए यूज होगा, और ये है एक चार्जर, ठीक है, ड्रोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर है, USB टाइप का प्लग इन है और इस साइड का कुछ अलग सा ही है, ठीक है, हम उसे चार्ज करके देखेंगे। तो पहले हाँ
आप देख सकते हो ये है उसका, देखो यहाँ पे हमारा मोबाइल लगेगा कैसे, हाँ देखो यहाँ पे आपका मोबाइल को आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये है अप डाउन लेफ्ट राइट के लिए, ये ऑन ऑफ है। ओके तो ये किससे चलता है, बैटरी पे चलेगा बट अभी बैटरी नहीं है, बैटरी पे चलेगा बट अभी बैटरी नहीं है, बैटरी पे चलेगा बट अभी बैटरी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी ये है हमारा मेन कंटेंट जो कि है ड्रोन, तो इसे क्या करते हैं, और हाँ इसके नीचे है इसका बैटरी, ये बैटरी 1800 mAh का है और लिथियम टाइप का बैटरी है। तो एक काम करते हैं, ये आई थिंक चार्ज होगा कि नहीं, एक बार क्या करते हैं इसे थोड़ा चार्ज में डाल देते हैं। यहाँ पे है हमारा चार्जर, ओके, और मेरे पास है एक पावर बैंक, इसे पावर बैंक के साथ कनेक्ट करके चार्ज करते हैं। ये इंटेक्स का है, ओके, तो देखो ये ऐसे लॉक लॉक होता है। ओके तो यहाँ पे लाइट जल चुका है, ये जब फुल हो जाएगा ना ये लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये है हमारा बैटरी भी चार्ज हो रहा है, थोड़ी देर इसे चार्ज होने दीजिए। उसी वक्त हम देखते हैं हमारे ड्रोन की ओर, ये ड्रोन देखो ये है क्वाड 16, यहाँ पे लिखा गया है क्वाड S16, और आप देख सकते हो ये ऐसे ओपन होता है, मतलब ये फोल्ड होके रहता है ना, इसे हम ऐसे ओपन करना पड़ता है, ठीक है, ओके फाइन, ये ओपन हो गया। अभी जो हमारे पास इसका मतलब जो प्रोपेलर का गार्ड था, ये है प्रोपेलर गार्ड जिसे हम फ्लाइंग गार्ड भी बोलते हैं, इसे क्या करना पड़ेगा हमको, इसे थोड़ा हम साइड में रख लेते हैं ये थोड़ा, ओके ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रेस करके, यहाँ पे ऐसे करके प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, और जल्दी से इसे हम लगा देते हैं। तो देखो ये हमारा जो ड्रोन है वो तैयार हो चुका है, आप इसका साइज अंदाजा लगा सकते हो, ये मेरे हाथ में आ जाते हैं, बट इसका जो फ्लाइंग गियर है जो प्रोपेलर है ये वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस बैटरी को डालना पड़ेगा। आई थिंक अभी तक थोड़ा तो चार्ज हो गया होगा, अभी क्या करेंगे इस लिथियम बैटरी को हम इसके अंदर डालेंगे, देखो इसके अंदर इसे ओपन कर लेते हैं। आके देखो ओपन होने के बाद यहाँ पे इसका लॉक है, अगर देख सकते हो तो फिर देखना, ठीक है ये लग चुका है। अभी इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, फिर इसे लॉक कर देंगे। ओके ये अभी लॉक हो चुका है पूरी तरह। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे है उसका पावर ऑन की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है पावर ऑन की, इसे हमको क्या करना है प्रेस करके रखना है। लाइट ब्लिंक हुआ मतलब ये ड्रोन अब हमारा रेडी हो चुका है उड़ने के लिए। और इस टाइम अब हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा एवरीडे का 3 बैटरियाँ लगा चुके हैं, इसमें भी अगर चार्जिंग वाला कुछ दे देता तो अच्छा रहता, बट कोई नहीं, यहाँ पे हमारा मोबाइल लगेगा, बट अभी हम मोबाइल नहीं लगाएंगे, इसे जल्दी से ऑन कर लेते हैं। ओके ये भी ऑन हो चुका है, तो अभी इन दोनों को पेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके पेयर हो रहा है, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके हाँ ये है ऑटो लैंडिंग के लिए, और ये है मतलब टेक ऑफ के लिए, ये है टेक डाउन के लिए है, ठीक है, ये लैंडिंग के लिए है, ये टेक ऑफ के लिए है, ये ऑटो पायलट के लिए है। और यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट एंड अप डाउन का जो स्विच है
इससे क्या होगा, उस मतलब ड्रोन का डायरेक्शन चेंज होगा, और ये मतलब ऊपर जाने के लिए, ये नीचे आने के लिए, आई थिंक ऑन हो गया। ओके, देखो ऑन हो चुका है, बट अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये अभी उड़ के चला जाएगा, ठीक है। देखो ओके शांत, तो यहाँ पे है 360 वाला, मतलब ये जो ड्रोन है ना, ये 360 डिग्री फ्लिप करेगा। तो यहाँ पे एक स्विच है, और आई थिंक हाँ यहाँ पे भी कुछ है, मतलब फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह लेने के लिए ऊपर की तरह दो स्विचेस है। यहाँ पे जो है ये मतलब इसे मतलब लेफ्ट राइट जाने के लिए है ड्रोन को। ओके नाइस, तो यहाँ पे अगर हम इसे ऑन करेंगे, ओ स्टॉप, तो अगर मैं इस क्लिक को अभी प्रेस करूँगा ना, तो ये उड़ के चला जाएगा, और रूम के अंदर वो करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि एक बार तो मतलब क्रैश लैंडिंग हो ही चुका है। तो अभी क्या करेंगे, हम बाहर जाके इसे थोड़ा सा मतलब बाहर थोड़ा इसका फ्लाइंग टेस्ट वगैरह लेते हैं। वैसे तो हम इस ड्रोन मतलब पहले हम ड्रोन कभी नहीं चलाए थे, ये हमारा पहला ड्रोन है, तो कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होने वाला है, बट हम ट्राई करेंगे इसे अच्छे से उड़ाने के लिए, ठीक है। तो चलो बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्या हम आउटडोर आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा ड्रोन है हमारे साथ, तो इसे क्या करेंगे, पहले तो हम ट्राई करेंगे उड़ाने का, फिर देखते हैं मतलब ये कितने हाइट पे जाता है, कितने नीचे आता है, मतलब इसका कंट्रोल हम कैसे कर पाते हैं, अभी देखेंगे इसके साथ, ठीक है। तो चलो लेट्स, तो पहले इसे हम ऑन कर लेते हैं। लाइट लग चुका है, मतलब ऑन हो चुका है, अब पैर होने का बाकी है। पहले हम क्या करेंगे, इसे ऑन करेंगे, ओके। हाँ अभी थोड़ा ऊपर जाएगा, आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर। ओके ओके तो बेसिकली ये हुआ कि मतलब हम ड्रोन को ट्राई किए, आई थिंक मतलब जब ओपन किए उसके बाद हम इस ड्रोन को मतलब एक भी बार चार्ज नहीं किए थे, तो अभी मतलब बहुत बार ये क्रैश लैंडिंग हुआ। फिर देखो ये ऑन होता है, बट जब हम इस पे ना देखो इस पे कनेक्ट करना चाहेंगे तब मतलब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब बैटरी थोड़ा खत्म हो चुका है, मतलब ये शीशा देखो देखो मतलब थोड़ा सा ऑन होके फिर ऑफ हो जा रहा है, मतलब इसका बैटरी कम है। तो एक काम करेंगे, पहले इसे हम बैटरी को मतलब चार्ज करेंगे, फिर देखते हैं ये कितने मिनट तक फ्लाई करता है। अभी तो करीबन 5 मिनट तक ये फ्लाई किया था, और उससे ज़्यादा तो नहीं किया था, फिर भी कंट्रोल सीखना पड़ेगा, बहुत ही घटिया है हमारा कंट्रोल। सीखेंगे ये कैसे मतलब हम कर पाते हैं इसे मेंटेन, देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे पूरा मतलब प्रोफेशनली उड़ा के दिखाऊंगा, अभी बस इसे हम ट्राई ही करेंगे। देख लो अभी फिर से मिस, देखो ये बंद हो गया है ना, अभी ऑन हो गया है, देखो मैं इसे फिर से ऑन करके दिखाऊंगा, ये ऑन ही नहीं होता। ओए ठीक है, इसका बैटरी खत्म हो चुका है, इसे पहले रिचार्ज करते हैं, मतलब इस बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर जाके इसे इसका फ्लाई टेस्ट लेंगे। अभी इतने बार इसका क्रैश लैंडिंग हुआ है, देखो यहाँ पे कितने मिट्टिया मतलब लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसे क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे, फिर जाके इसका ट्रायल लेंगे। और फोटोज मतलब 480p में वीडियोस इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रोल भी इतना मतलब सही नहीं है, घटिया है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही मतलब खराब हो रहा है। आई थिंक कुछ मतलब हम रिकॉर्डिंग किए हैं, फोटोज भी क्लिक किए हैं, तो मैं इस वीडियो में वो सब आपको दे दूंगा, आप देख लेना थोड़ा मतलब। हाँ फोटोज के लिए ठीक ठाक है, वीडियोस भी ठीक ठाक, अगर स्टेबल एक जगह में ये रुक जाएगा ना, तो फिर वीडियो भी बहुत ही अच्छा मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे ना इसमें अच्छे तरह आ जाएगा। देखते हैं इसे क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे कैसे मतलब हम प्रोफेशनली उड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को आप थोड़ा लाइक कर देना और शेयर कर देना, जो भी करना है कर लो,
हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोफेशनली उड़ा के दिखाएंगे। और हाँ, अगर ये चीज, अगर ये ड्रोन आपको चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैं अपना कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अगर आपको चाहिए तो मैं ऑफलाइन मार्केट में, ये बहुत ही कम रेट में आता है, तो मैं ऑफलाइन से लेके आपको दे दूंगा। ऑनलाइन पे तो ये 7,000-8,000 में आएगा, बट ऑफलाइन में बहुत ही सस्ता आ रहा है। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको बहुत ही कम रेट में ये मिल जाएगा। आप थोड़ा मेरे से कॉन्टैक्ट करके, अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट करके बात कर लो कितने में आता है। बट ऑनलाइन भी ये 6,000 से 9,000 तक रेंज में आता है, देख लो आपको अगर लेना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, ड्रोन को हम यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे क्या करेंगे उड़ा के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद।